एक बार एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास गया और उसने बोला कि मैं बहुत कुछ सीखना तो चाहता हूँ लेकिन सीख नहीं पाता हूँ। उसके टीचर ने क्या किया, उसके टीचर ने एक ग्लास लिया और ग्लास के अंदर पानी जो है वो डालना शुरू किया। पानी डालता रहा, ग्लास भर गया, उसके बाद भी वो पानी डालता रहा, तो ये ऑब्वियस है कि पानी बाहर गिर रहा होगा। तो स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप ये क्या कर रहे हो, ग्लास भर चुका है, आप उसके अंदर फिर से पानी भरने की कोशिश कर रहे हो, बाहर गिर रहा है। तभी उसके टीचर ने बताया कि ये ग्लास बिल्कुल आपके माइंड की तरह है, आपने इसे पहले से भर रखा है, आपके पहले से एक प्री कंसीव नोशंस हैं, आप जज करते हैं चीजों को, आप सुनना नहीं चाहते, आप एक ही डायरेक्शन में बढ़े चले जा रहे हैं, आपके बिलीव्स जो हैं वो पहले से आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। क्या सीखने को मिलता है इससे? इससे यही सीखने को मिलता है कि हमारे बिलीव्स हमें आगे नहीं बढ़ने देते। कभी कभी हमें अपने बिलीव्स समय के साथ बदलने चाहिए। अगर हमें कुछ नया सीखना है तो हमें बिलीव्स अपने तोड़ने पड़ेंगे। कई बार हम अपने माइंड को पहले से फुल रखते हैं, अपनी लर्निंग एबिलिटी को पहले से फुल रखते हैं और उस पे कुछ नया डालने की कोशिश करते हैं, वो नहीं जाएगा, वो बाहर स्पिल होता जाएगा, गिरता जाएगा। आप लोगों ने बस एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी कुछ नया सीखना है यू हैव टू एम्प्टी योर माइंड फर्स्ट। दिमाग को खाली कीजिए। अगर आप उसे पहले से भर के रखेंगे, आप पहले से प्री कंसीव नोशंस उसके अंदर रखेंगे, जजमेंट्स उसके अंदर रखेंगे, आप अपने नेगेटिव बिलीव्स उसके अंदर रखेंगे, तो कभी भी उसके अंदर कुछ नया नहीं जा पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने आज कुछ सीखा तो इसे सबके साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट। जय हिंद। और हाँ, सीखना शुरू तो जीतना शुरू।